नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहार ज्ञान सागर में। प्रस्तुत है आचार्य चाणक्य जी के महत्वपूर्ण अनमोल विचार। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में गृहस्थी जीवन से जुड़ी बातों के बारे में बारीकी से बताया है। इसी कड़ी में विवाह के लिए योग्य स्त्री के गुणों का जिक्र किया है। आइए हम विस्तार से जानते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने चाणक्य नीति में गृहस्थी जीवन से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। इसी में विवाह के लिए योग्य स्त्री के गुणों का जिक्र किया है। जानिए स्त्री के बारे में क्या कहती है चाणक्य नीति। नंबर एक, चाणक्य नीति के मुताबिक अगर विवाह का फैसला बाहरी सुंदरता को देकर लिया गया है तो वो निश्चय रूप से भविष्य में सबसे बड़ी भूल साबित होगी। विवाह के लिए बाहरी सुंदरता से ज्यादा उसके अंदर गुण होने चाहिए। स्त्री को भी जीवन साथी चुनते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर दो, विवाह हमेशा उसी स्त्री से करना चाहिए जो अपनी इच्छा से आपसे विवाह करने को तैयार हो। जोर जबरदस्ती से किया गया विवाह भविष्य में शिकायतों का अंबार लगा देगा और आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करेगा। नंबर तीन, जो स्त्री आपसे बेहद ज्यादा प्यार करती हो और आपकी बहुत परवाह करती हो, उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे भविष्य में उसे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए। ऐसी स्त्री आपके परिवार में खुशियां लेकर आती है, वे आपको उदास और निराश नहीं देख सकती। नंबर चार, चाणक्य के अनुसार स्त्री हो या पुरुष भी की धर्म कर्म के प्रति आस्था जरूरी है। आप जिस स्त्री से विवाह करने जा रहे हो उसकी धर्म कर्म में आस्था होनी चाहिए। नंबर पाँच, एक स्त्री अपने भावी पति में अपने पिता को देखती है। वो अपने पति से चाहती है कि वो उसका पिता की तरह ख्याल रखे। जिसे आप विवाह करने जा रहे हैं वे भी आपके बारे में ऐसा ही सोचती है तो वो आपको भविष्य में कभी धोखा नहीं देती और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये थे विवाह के योग्य स्त्री के पांच गुण। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।